तो माय डियर राइडोफायर, आपका एक बार और स्वागत है हमारे चैनल राइडोफाय में, जिसमें कि हम आपको दिखाते हैं खूब सारी खूबसूरत सी मॉडिफाइड बाइक। दोस्तों, हमने अब तक काफ़ी सारी मॉडिफाइड बाइक, कस्टम बाइक, एक्सेसरीज आपको दिखाई है, और आज कुछ अलग करने वाले हैं। एक ऐसी मॉडिफाइड बाइक जो एवेंजर की मॉडिफिकेशन हमने आपको दिखाई थी, जिसका नाम था रूबी, जिसको हमने बनाया था एवेंजर से एक बॉबर लुक में, उस बाइक का आज हम करने वाले हैं टेस्ट। देखेंगे कैसे रहेंगे पब्लिक रिएक्शन, कैसा लोग उसको पसंद करते हैं, क्या लोगों की सोच आती है निकल के जब उस बाइक को चलाते हैं रोड पे। हमने एवेंजर को सिलेक्ट किया दोस्तों, क्योंकि हमारी एवेंजर की मॉडिफिकेशन कम होती है, बुलेट की हम काफ़ी करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, राइड भी कर चुके हैं। तो आज एक ऐसी एवेंजर को हम राइड करने वाले हैं, उसको चला के देखने वाले हैं कैसा लुक आता है, कैसा लोग उसको पसंद करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यार इस बाइक को या किसी भी मॉडिफाइड बाइक को अगर हम टेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें चेक कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलाते हैं इस बाइक को। गाइज, अब हम निकाल चुके हैं ये अपनी बाइक रूबी को, और अब आप देखिए किस तरह की परफॉर्मेंस ये बाइक देती है। कुछ चीज़ें टेस्ट भी करनी है और पब्लिक का रिएक्शन भी आपको हम दिखा पाएंगे। तो आज हम इस बाइक को निकाल रहे हैं, मेरे साथ हैं हमारे टीम मेंबर शिवम। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट आपसे बाइक चलाते हुए, आइए चलते हैं। दोस्तों, हमारी राइड शुरू हो चुकी है, निकल चुके हैं। पहली चीज़ जो हमने इस बाइक में देखी है वो है कि यार इसमें जो पीछे पिलियन राइडर बैठा है उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, पीछे बैक रेस्ट चाहिए, उसका ध्यान रखा जाएगा। वील ट्राई एंड हैव अ बैक रेस्ट इन इट इफ़ द कस्टमर ओकेज इट। देखिए, मैं आप इसको भगा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि यार गाड़ी स्मूथ चल रही है, राइड एकदम परफेक्ट है, पोजीशन एकदम परफेक्ट है। बाकी आगे देखते हैं यार और कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कैसे हमने इसमें डिजिटल मीटर दिखाया हुआ है, और ये अभी स्टार्ट भी था जब मैं इसको राइड को चला रहा था बाइक पर। तो ये था गाइस दूसरा। देखो गाड़ी को कितना ईजी मैन्यूवरिंग रही, लोग कहते हैं थोड़ा सा चौड़ा टायर करने होती है या कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम एबल टू मैन्यूवर, इसको अच्छी तरह से टर्न कर पा रहे हैं और अच्छी तरह से गाड़ी चल रही है, तो थम्स अप। यार वैसे तो मेरे को समय नहीं मिलता है अपना राइडोफाय से बाइक के बनाने में, आज गेड़ी वगैरह का मौका मिला है राइड के लिए, और गेड़ी या ऐसी अक्सर कम ही लगा पाते हैं, क्योंकि यार छुट्टी वाले दिन फैमिली को देना पड़ता है और बाकी दिन हम यहाँ पे रहते हैं तो टेस्टिंग ही रहती है। तो आज गेड़ी कम टेस्टिंग लगा रहे हैं, इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, गेड़ी भी लगा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। अभी जाएंगे कुछ अपना पेट्रोल वगैरह इसमें रिफिलिंग करवाएंगे और थोड़ा टेस्टिंग भी करेंगे। अभी तक तो बाइक अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बंदा मेरे साथ एक बैठा भी हुआ है, तो पिलियन राइडर के लिए भी कोई बहुत इशू नहीं आया है। मौसम भी अच्छा हो रहा है यार, और इतनी ठंड नहीं है, पहले काफ़ी ठंड हो गई थी दिल्ली में, अब थोड़ी ठंड भी कम है, तो आदमी राइड के लिए भी रेडी है। मतलब सुबह सुबह भी, इवनिंग में भी, कभी भी आप राइड कर सकते हो, जा सकते हो, चल सकते हो, अपना बाइक उठाई और हो गए तैयार। बाइक यार एवेंजर की अगर जहाँ तक बात करें, अच्छा पिकअप है। मैं अगर एवेंजर और रॉयल कंपेयर करूँ तो मुझे दोनों ही बाइक अच्छी लगती है, पसंद आती है, और यही वजह है कि यार हम दोनों पे ही मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं और भी बाइक्स पे करते हैं, दोनों पे ज़्यादा रहती है। इन दोनों पे रॉयल पे सबसे ज़्यादा होती है, एवेंजर पे कंपेरेटिवली इससे काफ़ी कम है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कैसे मुझे लोग घूर रहे हैं, देख रहे हैं, और यार ये तो फ़ायदा है ही है। मैं तो आपको पहले ही बताया कि यार लगता है यार कहीं रुके, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं अच्छी बाइक लेके, मॉडिफाइड बाइक लेके, तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। हाँ ये गाड़ी हार्ले नहीं है, आप हार्ले समझ रहे हो शायद। नहीं नहीं मेरे मॉडिफाइड है हाँ। बट फिर भी इंजन हैवी है इसका। नहीं एवेंजर है ये।
अच्छा जी। हाँ जी, बड़े बना रखे यार अगर बंदे रहो तो। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है इंजन भी चेंज करवा रखा होगा। नहीं सर, हमने ही बनाई है राइडोफाई में। बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा गजब। वेटर वेटर सबसे अच्छी लग रहा है। हाँ जी, जबलपुर। बाइक कैसी लगी सर? बाइक बढ़िया भाई साहब। गाड़ी के ब्रेक, गाड़ी चलते हुए, गाड़ी का बैलेंस, गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गाड़ी का अलाइनमेंट, सब कुछ ऑल ओके, बैलेंसिंग फाइन। तो गाड़ी की टेस्टिंग राइड रही बढ़िया, अच्छा लगा। इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, एवरीथिंग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। कंफर्टेबल है, विलियन राइडर के लिए भी कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैनेवरिंग इजी है, ऑल चेक्ड, एवरीथिंग डन। तो दोस्तों, बाइक टेस्टिंग अच्छी रही। अब हम जा रहे हैं अपने शोरूम की तरफ, वहाँ पे आपको रुकेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें अगर एक बाइक ले रहे हैं, मॉडिफाइड बाइक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें टेस्ट कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने आज देखा कि यार किस तरह से इस बाइक की टेस्टिंग हमने करी और अब टेस्ट की अच्छी रही, लोगों को पसंद आई। यार लोग चल रहे थे वो बाइक पर बहुत ध्यान दे रहे थे और वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। वो चीज़ें हमें पता चली यार इस बाइक में जो चेंज करने के लिए या नेक्स्ट टाइम जब हम काम करेंगे तो हो सकती है। इस बाइक में फिलहाल हमें लगी यार राइडर के लिए अगर बैक रेस्ट लगाया जाए तो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि कम्फर्टेबल हो जाएगा उसके लिए। और टर्निंग अच्छी थी बाइक की, जब टर्न कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, मीटर अच्छा व्यू हो रहा था। एक चीज़ जो मुझे पसंद लगी कि शायद इसमें अगर हम बार एंड लाइट लगाएं तो वो भी एक अच्छी इसमें चीज़ हो सकती है। तो ये थी और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हो तो हमें चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, और इस ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो की लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर, कीप बाइकिंग, कीप राइडिंग।